अस्सलाम वालेकुम एंड बैक अगेन इन अदर GTA 5 रियल लाइफ मॉड। सो गाइज यार वेलकम करता हूँ। और अगर यार वीडियो शुरू होने से पहले पहले मैं आपको स्टोरी शुरू होने से पहले पहले बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यार चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। तो आज की स्टोरी यार स्टोरी का सीन कुछ इस तरह से होने वाला है कि मैं जाऊँगा, प्रीवियस वीडियो जो अपने ड्राइवर भाई की डाली थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो वीडियो क्या थी वो भी मैं बता देता हूँ। उस वीडियो में हमने शॉप बाई की थी अपना अहमद भाई से, और वो शॉप तो बाई होगी। अब शॉप के लिए यार कोई स्टॉक भी तो लाना पड़ता है। तो हमारा यार एम ये था कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि स्क्रैप जो आती है यार कार के डोर वगैरह या इस तरह की कार के पार्ट्स वगैरह ही समझ लो, बॉडी पार्ट जितने भी हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। और हमने यार फर्स्ट जो अपना स्टॉक है वो मंगवाया था और वो आ गया तकरीबन कल रात को आया था। मुझे कॉल आई थी ड्राइवर को, यार मुझे नहीं ड्राइवर को कॉल आई थी और वो कह रहे थे आके आप ले जाएं। तो उस वक्त यार ड्राइवर सो रहा था, अब नींद से कैसे उठ के उसने कहा यार वहाँ पे साथ में है अपनी शॉप गोदाम ही है यार उसमें रख लो। तो उधर यार रखी हुए सामान तकरीबन उधर ही है और मैं डायरेक्टली अब वहाँ पे जाऊँगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ फार्म पे, फार्म पे जाने के बाद मैं सीधा यार वहाँ पे आपको मिलता हूँ। सो गाइज मैं पहुँच आया हूँ, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ यार लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, नहीं गए अब मैं यहाँ से राइट जाऊँगा। और वहाँ पे उस बंदे ने सामान रखा होगा, वैसे वो लाते रहते हैं और बंदे भी हैं जो मंगवा रहे हैं यहाँ पे, कुछ लॉस एंजेलिस से हैं और कुछ वहाँ सैंडी शोर वाली साइड पे यहाँ। अच्छा वो आखिर में यार वो वाली शॉप मैं समझ रहा था यहीं पे, काफ़ी ज़्यादा देखे हैं गाइस कंटेनर पड़े हुए हैं यहाँ पर, इधर शिपमेंट आती रहती है, बड़े बेरी जहाज जितने भी हैं यहाँ पर ही आते हैं और यहाँ से यार आके सामान जितना भी है पहुँचता है ये यहाँ इस साइड पे। और मैं चलता हूँ फिर वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था, मंगवाया नहीं था सॉरी, मैंने एक ही कंटेनर बाय किया था, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं गाइस। ये है जी वही वाली शॉप जहाँ पे अपने माइकल भाई भी मंगवाते रहते हैं कार वगैरह, तो उनकी यहीं पे आती होती है। सब्र यार मैं रिवर्स करके गाड़ी लगा लूँ फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ आया है क्या कुछ नहीं आया, तो उसे साथ लेके जाएंगे। ओ ओ ओ गाड़ी लग गई थोड़ी सी, चलें हेयर सेट करवा लेंगे यहाँ से, पॉलिश करवा लेंगे और चलें गाइस मैं यहाँ पे लौट करता जाऊँगा यहाँ जहाँ इधर। ठीक है अब ये क्या क्या चीज़ें, सब्र उतरता हूँ फिर देखता हूँ अब ये क्या क्या है। कुछ सीट्स हैं ये यार, एक पहले राउंड में चला जाएगा, मुश्किल लग रहा है मुझे। ये टायर हैं, बड़े वाले टायर भी हैं, कुछ छोटे वाले भी हैं और एलॉय रिम भी हैं, साथ में कुछ गाड़ियों के दरवाजे भी हैं। अच्छा इंजन भी लेके आए गाइस, इंजन और साथ में जेक भी और ये साइलेंसर, वो पीछे भी यार गेट ही पड़े हुए हैं इसी तरह के यार दरवाजे ही हैं गाड़ियों के। बस ये मैं एक एक करके लोड करता हूँ सब पर, ये तो सारे नहीं जाएंगे मुझे लगता है यार, इन्हें आधा यानी कि मुझे दो राउंड करने पड़ेंगे, एक पहले पे थोड़ा सा सामान ले जाऊंगा और थोड़ा सा दूसरे पे। चलो मैं ट्रंक ओपन करता हूँ, उसके बाद पहले थोड़ा सा एक मरतबा ले जाएंगे और थोड़ा जो है वो दूसरी मरतबा लेके जाएंगे। अगर ज़्यादा जाता भी चलेंगे, जो लोड हो रहा था वो मैंने लोड कर दिया। ये देखें ऐसा ये कुछ रह गया है, इसे सेकंड जो हमारा राउंड होगा उस पर लेके चले जाएंगे। ये भी हैं यार दरवाजे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, वैसे यही पार्ट्स ज़्यादातर ये होते हैं यार। टायर ऊपर है, इन्हें उतार ना दूँ ये गिर ही ना जाए यार, इन्हें भी सेकंड राउंड में लेके चले जाएंगे, ये नीचे ही ना गिर जाए। उतारता हूँ, उतार के इन्हें नीचे रख लेते हैं। ये गाइस मैंने नीचे रख लिए हैं इस साइड पे, इन्हें अब सेकंड जो हम राउंड करेंगे उसमें लेके चले जाएंगे। ये शायद यार वो जीप्स जीप वगैरह जो होती है ना ऑफ रोडिंग की, ये उनके टायर मुझे लग रहे हैं। चलें गाइस अब मैं निकलता हूँ, ये तो हो गई जो लोड होनी थी हमने लोड कर दी है, अब यहाँ से सीधा अपनी शॉप पे चलेंगे और वहाँ पे जो हमने सामान लगाना होगा अभी लगा लेंगे और जो सेकंड है वो फिर आके ले जाएंगे, या उधर से किसी को भेज देंगे, अहमद को ही भेज दूँगा। शॉप असल में अहमद भाई की थी, उनसे हमने बाय कर ली थी। मैंने वैसे सोचा हुआ था कि ट्रेवर के पास असल में कुछ पैसे वगैरह आए हुए थे,
यार वो वाला रास्ता है, मैं इस रास्ते पे चला गया हूँ गाइस। सब्र यार, पहले मैं इधर जाऊँ फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ, अब मैं बता रहा था यार कि ट्रेवर के ने अपने अहमद भाई से बात की थी, और साथ में यार ये भी सोच रहे थे खोल भाई मोटू यार, ये तो जिस तरह अपना अर्शद भाई होता है वो वाला जो हमारे पास बाड़े पे काम कर रहा है, बिल्कुल यार सेम उसी की तरह अर्शद भाई हो गया, वो असद भाई भी, तीनों यार एक जैसे ही हैं। थोड़ा यार जो अपना स्नैन है वो इतना नहीं है, वो फिर यार थोड़ा सा है, और बकाया दो तो बहुत ही ज़्यादा वो हैवी वेट है। तो हाँ यार मैं कह रहा था कि अपनी जो शॉप है अहमद भाई से हमने ले ली थी, और उन्हें पेमेंट वगैरह भी हमने कर दी है। कुछ मैंने कहा था पैसे उनसे यानी कि रोकूंगा बाद में दूंगा कलेक्ट करके, लेकिन वो फिर आ गए थे यार, मनी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गई थी तो हमने उसे दे दिए। तो ये अपना यार सुजुकी रावी भी अब अपना ही हो गया है, ये हमने बाय कर लिया है अपना माइकल भाई से। अभी माइकल भाई से पूछा, माइकल भाई कह रहे यार 8.5 लाख का ली था, पता नहीं उन्होंने कितने का लिया था ये मुझे भी नहीं बताया, उन्होंने ड्राइवर भाई को नहीं बताया, और 6 लाख 6.5 लाख हमने माइकल भाई को दे दिए। अब तकरीबन 2 लाख उनकी तरफ रहते हैं, हमने 2 लाख उन्हें मज़ीद पेमेंट करनी है। पैसे पड़े हुए थे लेकिन ये जो हमने कुछ स्टॉक मंगवाया था अपनी न्यू शॉप के लिए हमने उधर दे दिए, और इसीलिए माइकल भाई के 2 लाख रुपये हमने रोक लिए थे। अब जो जो साथ साथ ये सेलिंग होगी हम माइकल भाई को दे देंगे। उन्होंने यार मुझसे मांगे नहीं थे, लेकिन फिर भी पैसे तो देने हैं ना उन्हें ना, वापस तो करने, अब अपने तो नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जल्दी जल्दी से हमसे कुछ सेलिंग हो जाए। वैसे कस्टमर आए थे मेरे पास, अहमद भाई ठीक ही कह रहा था यार रोड साइड की शॉप है और इधर काम काफ़ी अच्छा है। मैंने कहा यार तुम खुद क्यों नहीं करते, कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है ये वो, बस कह रहा था बस कुछ बिजी हूँ। मैंने कहा खैर यार ये हमारी किस्मत भी होगी तो हम ही ले लेते हैं, तो इसीलिए शुक्र है यार वो हमने ले ली। अब उसी शॉप से हम जो साइड मेरा पीछे उसके एरिया है वो भी अब हमारा ही है, बस उधर एक यार छोटा सा इस तरह का ये समझ लो घर सा बना हुआ है, और वो जो है वो अहमद भाई ने कहा ये हमसे दूसरा बंदा उसने ले लिया था तो इसलिए ये हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा चलें ठीक है। अब यार ये क्यों इतने खुश हैं पता नहीं यार, नाच रहे कोई पार्टी वार्टी है शायद। तो हाँ गाइस 1K पे भी पार्टी देनी थी, वो तो मुझे याद ही नहीं है, चले यार वो भी मैं दूंगा आपको इसी तरह की कोई पार्टी। या एक काम करेंगे गाइस, कहीं यार ट्रिप पे चले जाएंगे, टूर वगैरह करेंगे नारा का खान का, ट्रेवर फ्रैंकलिन और माइकल, और फिर उसमें यार मज़ा आएगा। तब मैं नारा का खान का टूर करूँ या यार मरी वाली साइड का, अब ये आपने मुझे बताना यार कमेंट सेक्शन में, मुझे लाजमी यार कमेंट करके इस चीज़ के हवाले से बताना कि मैं नारा का खान जाऊँ या फिर मरी वाली साइड, ये मुझे बताना। और ये भी बताना यार कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ, अब हमारे पास रेंज रोवर भी है लेके यार, यही मुझे बताना कौन सी SUV गाड़ी लेके जाऊँ। अब रेंज रोवर भी पास है अपनी, रिवू भी है, और दूसरी तो यार सीडन जो अपनी टोयोटा प्रियस फ्रैंकलिन वाली, और सिविक सेक्स वैगन आर, तो वो आ गई यार हैचबैक गाड़ी आ गई, उसका नहीं कह रहा। तो अब मैंने एक यार बाइक एक और का यार कमेंट आया हुआ था कि अपना वो V8 की ऑफ रोडिंग बनानी है, इनशाला वो भी आएगी वीडियो। V8 की ऑफ रोडिंग यार हम तीनों के साथ बनाएंगे, अपना ड्राइवर के साथ भी फ्रैंकलिन और माइकल भाई तीनों यार उसमें शामिल होंगे, और उससे यार हम कई माउंटेन चिल्यार्ड चलूँ या कोई किसी और जगह की ऑफ रोडिंग, मुझे इस चीज़ से या कमेंट करके बता देना, फिर इनशाला उसके हवाले से हम बनाएंगे। तो मैं बातों बातों में यार पहुँच भी आए अपनी शॉप पर। अब ओह यार मुझे याद ही नहीं, शॉप लॉक की हुई थी, इसे सबर मैं खोल लूँ, खोलने के बाद फिर गाड़ी अंदर ही पार्क कर लूँगा साइड से यार, बैक रिवर्स में ले जाएंगे। फिर ये गाइस मैंने शॉप खोल ली, सबर यार इधर से रिवर्स ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इस तरह लगाई और सामान उतारा तो फिर गाड़ी रिवर्स नहीं होगी, गाड़ी बाहर भी तो निकालनी है ना। अब यही तो नहीं है, ओ यार इधर से भी लग गए एक ही जगह यार, उधर से भी यही जगह लगी थी, इधर भी यही जगह। अब इस जगह से थोड़ी यार पॉलिश वगैरह करवानी पड़ेगी, अब गाड़ी के साथ अपना नाम लग गया है तो इसी वजह से अब गाड़ी जगह जगह पे ठोकने हो रही है। ये आ कि ये रिवर्स करते करते ये ठीक हो गया, ये यार ऊपर लिखा भी है एक्सीडेंटल कार रिपेयर भी की जाती है और एक्सीडेंटल कार के पार्ट्स वगैरह भी बाय किए जाते हैं। अब हमारे पास गाड़ियाँ भी आएंगी जो एक्सीडेंट वगैरह होती हैं, पर हम उन्हें बना कर भी सेल करेंगे। ये गाइस ये सामान है, चले मैं उतार लेता हूँ। तो ये गाइस
मैंने उतार दिया है। ये कुछ इंजन वगैरह है और एलॉय रिम और जैक वगैरह जो साथ साथ यार पहले चक्कर में जो भी सामान आ रहा था मैं साथ ले आया हूँ। ये देखें गाइस ये सारा सामान मैं इस पहले राउंड में ले आया हूँ। चलो यार ट्रंक तो बंद कर लूँ और साथ में आपका शुक्रिया भी अदा करूँ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। सब पर यार इधर छलांग लगाऊं फिर आपको बताता हूँ और चैनल भी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलेंगे अब न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।